Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एग्जाम टास्क में। दोस्तों आज हम शुरुआत कर रहे हैं टेस्ट सीरीज की। इतने दिनों से चल रहा था सर टेस्ट सीरीज कराइए। तो अब हमारा जो कोर्स था एलडीसी का, उतना मैंने आपको क्लास जो पढ़ानी थी वो पढ़ा दिए, और अब आज से हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे टेस्ट सीरीज की। जैसा मैंने कल आपको मैसेज भी दिया था कि हम कल मैं किसी कारण से जो हमारे टेस्ट सीरीज है वो ले नहीं पाया था, और आज मैंने इसे स्टार्ट कर दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें सबसे पहले, तो क्योंकि आज से हमारी टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है और कंटिन्यू अब चलेगी। और इस समय जो हम टेस्ट सीरीज करा रहे हैं उसके अंदर आपको ओनली मतलब अलग अलग सेक्शन वाइज क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। जैसे आज मैं कुछ फॉन्ट के कराऊंगा, कल फॉन्ट के हम और करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और फिर बाद में हम पैराग्राफ के करेंगे, उसके बाद स्टाइल्स के करेंगे, फिर हम उसके बाद इंसर्ट के भी करेंगे, टेबल के हम अलग से क्वेश्चन करेंगे, फाइंड और रिप्लेस के हम एक दिन अलग करेंगे क्वेश्चन। इस तरीके से अलग अलग सेक्शन वाइज हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। और उसके बाद अंतिम में हम जब पेज लेआउट में पहुंच जाएंगे तो उसके बाद एक चार दिनों के लिए हम अलग से टेस्ट सीरीज चलाएंगे जिसमें क्वेश्चनों का मिक्सअप भी रहेगा, ठीक है। अब हम सबसे पहले आपको बात करता हूँ कि हमारी जो बुक लॉन्च हुई थी एग्जाम टास्क की, जो इफिशियंसी के लिए जो बुक लॉन्च हुई थी, जिन्होंने इस बुक को खरीद लिया है अच्छी बात है, और नहीं खरीदा है तो खरीद सकते हैं, ठीक है। हमारा व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी खरीद सकते हैं। कहीं ऐसा हो रहा है कि जो बुक को हमने किसी को सेंड की है या बेची है, मैंने पहले भी आपसे निवेदन कर चुका हूँ कि प्लीज आप इसे शेयर ना करें कहीं पर भी, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर, क्योंकि हमने इसको कॉपीराइट ले रखा है और कॉपीराइट के अगेंस्ट में आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन फिर भी दो तीन लोग जो ऐसे हैं जिन्होंने मतलब उन्हें क्या कह सकते हैं हम, उनके लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास में, जिन्होंने ऐसा गलत काम किया और बहुत छोटी सोच के कारण उन्होंने शेयर कर दिया बुक को, ठीक है। तो उन्होंने बुक को पूरी तरीके से शेयर नहीं किया, लेकिन उसमें बहुत सारे रीडिंग कर दिए। दोस्तों सबसे पहले आपको बताता हूँ कि ये कंपटीशन का टाइम है, इस समय आप 40 रुपए के लिए, केवल ऐसा ना हो कि आप 40 रुपए के लिए अपना भविष्य खराब कर बैठो। हो सकता है कोई गलत क्वेश्चन को एडिट करके और आपको सेंड कर दे, जिससे कि वो आपसे आगे निकलने की उम्मीद के अंदर हो। ऐसे कई लोग वायरल कर रहे हैं लेकिन उन पर आप विश्वास नहीं करें। एग्जाम टास्क के जो ऑथेंटिकेट नंबर आपको यहाँ पर मिल रहे हैं वीडियो के अंदर, उन्हीं पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप लेवें, अन्यथा किसी भी बुक पर विश्वास ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एग्जाम टास्क के नाम से सेल कर रहे हैं और दे रहे हैं या पीडीएफ को सेंड कर रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में वगैरह वगैरह, लेकिन वहां पर आप विश्वास नहीं करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फिर आपकी मर्जी है, जो आप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन मेरा आपको बताने का जो फर्ज था वो मैंने बता दिया है। ओनली 40 रुपए के लिए आपके कुछ कम नहीं हो रहा है और ना मेरा कुछ बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन एक जो फीस मैंने निर्धारित की है 40 रुपए, बस आप उसे पे करके आप ले सकते हैं। और जो फेसबुक पे व्हाट्सएप पे जो लोग दे रहे हैं फ्रॉड जो बुक एग्जाम टास्क के नाम से, या उसमें एडिट कर रहे हैं किसनों को गलत करके सेंड की जा रही है, तो वहां पर आप उन पर विश्वास नहीं करें। मैं बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और अपनी बुक को शेयर भी ना करें, ठीक है। जिसको लेनी होगी वो ऑटोमेटिकली एग्जाम टास्क के व्हाट्सएप पे आकर के ले लेगा, नहीं लेनी होगी कोई बात नहीं, ठीक है। इसके अलावा अब हम शुरुआत करते हैं टेस्ट सीरीज की। आज के जो टेस्ट सीरीज के जो सारे पर्सन है वो हम आपको मिलेंगे ओनली और ओनली फॉन्ट ग्रुप के, ठीक है। दोस्तों फॉन्ट ग्रुप में जो सामने के जितने भी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं उनके सारे को मैंने क्वेश्चन तैयार किए हैं। हर तरीके का मैं क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा और लेवल भी हर तरीके का हम चेक करेंगे, ठीक है। बाद में हम जब सारे टैब हो जाएंगे तो उसके बाद में पांच टेस्ट सीरीज में आपको अभी बता देता हूँ ऐसी लॉन्च की जाएगी जिनके अंदर सभी क्वेश्चनों का मिक्सअप होगा, जिससे आप अच्छे से उन्हें सीख पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन इस तरफ दिख रहे हैं जो लेफ्ट साइड के अंदर, और राइट साइड में हमारा डॉक्यूमेंट पड़ा जहां पर अपन को काम करना है, ठीक है। दोस्तों प्रथम पैराग्राफ के प्रथम लाइन के फॉन्ट फेस को एरियल करना है, ठीक है। इंग्लिश में इसे ऐसा आएगा क्वेश्चन, चेंज द फॉन्ट फेस इन एरियल ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। तो प्रथम पैराग्राफ की प्रथम लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन। सेंटेंस और पैराग्राफ में जो डिफरेंट था वो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बता दिया हमारी, अगर आपने नहीं देखा है तो हमारी जो यूट्यूब के अंदर प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको क्लास जो 6-7 क्लास है मैंने अपलोड किए उनके वीडियो मिल जाएंगे, वहां पर आप देख लें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें,
वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो ये प्रथम लाइन हो गई, इस लाइन को हमें क्या करना है, फॉन्ट फेस को एरियल करना है। अब एरियल फॉन्ट फेस का मतलब क्या होता है, फॉन्ट का टाइप हमें चेंज करना है। तो ये आप यहाँ से फॉन्ट टाइप चेंज करेंगे, यहाँ पर आपको एरियल देखना है तो आप एरियल आप ऐसे टाइप करके भी देख सकते हैं, ARIAL, ये एरियल आपको दिख रहा होगा सबसे नीचे, ये एरियल है, ये मैंने चेंज कर दिया, प्रथम लाइन का फॉन्ट फेस चेंज हो गया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। प्रथम पैराग्राफ की फॉन्ट साइज 23 कीजिए, 23 करना, ठीक है। चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ इन 23, फर्स्ट पैराग्राफ की जो 23, तो ये फर्स्ट पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के दो तीन तरीके हैं जो मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बता दिए हैं, डबल क्लिक वाला भी है तो वो सॉरी ट्रिपल क्लिक करके भी और माउस से ड्रैग करके भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं और कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो वो आप वहां पे कर सकते हैं, लेकिन कीबोर्ड वाला ऑप्शन वहां पे बंद रहेगा आपके लिए, तो आप कीबोर्ड से नहीं कर पाएंगे, बाकी आप माउस से कर सकते हैं। ठीक है, चाहे क्लिक वाला कर लो चाहे ऐसे ड्रैग करके करो। आगे हम बात करते हैं इसका क्या करना है, साइज 23 करना है। साइज को 23 करने के लिए आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पर 23 देखो आपको कहीं मिल नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे, सीधा इसके अंदर बॉक्स में क्लिक करके यहाँ कीबोर्ड से टाइप करोगे 23 और उसके बाद एंटर लगा दोगे, ये 23 हो गई। ठीक है, इस तरीके से आप फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, जो यहाँ पर नहीं मिलेगी उसे आप टाइप कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, द्वितीय पैराग्राफ की फॉन्ट साइज 36 कीजिए। ठीक है, चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ सेकंड पैराग्राफ इन 36। यहाँ पर ये सेकंड पैराग्राफ है, इसकी जो साइज है 36 करने में सेलेक्ट करें से और यहाँ पर जाए और यहाँ पर देखिए 36 का ऑप्शन मिल रहा है आपको, मिल रहा तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा तो आप टाइप कर लें और वहां से कर लें, ये 36 मैंने कर दिया है। ओके, आगे का क्वेश्चन क्या हमारा, प्रथम पैराग्राफ में अब्दुल कलाम जहां भी आया है उसे बोल्ड करें, मतलब जहां जहां अब्दुल कलाम आया उसे बोल्ड करना। ओके, तो देखो कैसे करोगे, आपको फाइंड में जाना है, फाइंड में आप गए, यहाँ आपको टाइप करना है ABDUL अब्दुल KALAM, ये जो आपको लिखा हुआ मिलेगा वो आपको टाइप करना है। उसके बाद आपको फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको कर्सर रखना है स्टार्टिंग में और उसके बाद फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ये पहला हुआ, इसे बोल्ड कर दो यहाँ से, नेक्स्ट करो, बोल्ड कर दो यहाँ से, नेक्स्ट करो, आगे ओके कर दो। अगर तीसरे पैराग्राफ में ऐसा आता है तो आप उसे बोल्ड नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है, आपको ओनली प्रथम पैराग्राफ के ही बोल्ड करने के लिए बोला गया है, तो आप प्रथम पैराग्राफ को ही अंदर बोल्ड करें। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट, आगे जो चौथा क्वेश्चन है हमारा वो हो चुका है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन हम बात करते हैं, हमारा द्वितीय पैराग्राफ में फादर को इटैलिक कीजिए। ठीक है, तो सेकंड पैराग्राफ के अंदर फादर जहां भी आया उसे सर्च करो, कहां से करोगे, फाइंड में जाओ, ठीक है, फादर लिखो। ठीक है, इसके अलावा आप यहां से भी कर सकते हो, देखो ये रिप्लेस वाला है, यहां आप जाके नॉर्मली जो तरीका जो अब्दुल कलाम में जैसे मैंने किया था वैसा आप कर सकते हैं। इसके अलावा रिप्लेस में कैसे करते हैं वो बताता हूँ, मोर में जाओ, उसके बाद में ये जहाँ फादर है उसके अंदर कैसे करोगे, देखो यहाँ पर आपको इतने सारे मिल रहे हैं, यहाँ फॉर्मेट में जाओ, फॉन्ट में जाओ और इसे बोल्ड कर दो, यहाँ से बोल्ड सेलेक्ट कर दिया, ओके कर दो। उसके बाद में देखो फाइंड नेक्स्ट करते रहो, यहाँ से आप फाइंड नेक्स्ट करोगे, देखो सेकंड पैराग्राफ में फाइंड नेक्स्ट किया, आपको मिल नहीं रहा ना, क्यों नहीं मिल रहा है अभी बता दें, क्योंकि हमने फाइंड के अंदर बोल्ड कर दिया, तो फाइंड में बोल्ड में तो कुछ है नहीं, तो आप नॉट फॉर्मेटिंग लगाओ और यहाँ पर जाने के बाद, यहाँ जाने के बाद आप फॉर्मेट पे क्लिक करो, फॉन्ट पे क्लिक करो और उसके बाद आपको यहाँ से बोल्ड कर देना है, ये बोल्ड कर दिया, ओके कर दिया, तो ये देखो बोल्ड यहाँ आ गया रिप्लेस वाले में। आगे देखो आप फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ये रहा सेकंड पैराग्राफ के अंदर आ गया फादर, इसे हम क्या करेंगे बोल्ड कर देंगे, तो यहाँ पर आपको इसे रिप्लेस कर देना है, देखो रिप्लेस करते हैं हो गया फादर बोल्ड। और ये जो है ये कौन से पैराग्राफ है, आप यहाँ पे क्लिक करके देख लो कौन सा पैराग्राफ है, ये तो नीचे का गया, तो यहाँ आपको नहीं करना, ओनली सेकंड पैराग्राफ में ये की था जो बोल्ड हो चुका है ये वाला, और बाकी इसको नहीं करना, तो आपको क्लोज कर देना है। ओके, तो आप रिप्लेस के थ्रू भी ये चेंजमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है कि आपको जहां जहां पर एरियल फॉन्ट है वहां पर आप कवरेज कीजिए। ठीक है, तो एरियल फॉन्ट कहाँ कहाँ है आपको अगर पता लगाना है तो आप सीधे यहाँ फाइंड में जाइए। ठीक है, और फाइंड के अंदर जाने के बाद यहाँ आपको कुछ लिखना नहीं है और यहाँ से आपको फॉन्ट चेंज करना है, कौन सा फॉन्ट हम सर्च करना है, एरियल ARIAL, एरियल ये रहा एरियल फॉन्ट है,
वहां उसे सिलेक्ट कर दीजिए और रिप्लेस के अंदर जाकर के उस फॉन्ट को क्या करना है आपको, वो यहाँ पर कर दीजिए। यहाँ क्लिक किया, फॉन्ट में किया और जहाँ एरियल है वहां पर आपको कोई सा भी, जो से मैं बता दूँ आपको ये, या फिर कोई सा भी फॉन्ट आप ले लीजिए, ठीक है। जैसे मैं एक फॉन्ट आपको लेके बता दूँ, ये फारसी फॉन्ट, ये डेविड फॉन्ट है, ये वाला मैं लगा देता हूँ। इसे ओके करता हूँ और रिप्लेस ऑल कर देता हूँ, तो ये आप देख पा रहे होंगे रिप्लेस ऑल कर दिया। अब जहाँ मतलब एरियल फॉन्ट था वहाँ क्या हो गया हमारा, वो सेकंड फॉन्ट हो गया। ये बोल्ड बोल्ड को आपको उठाना पड़ेगा, नो फॉर्मेटिंग लगा करके यहाँ से वापस एक बार कर दीजिए। ये आया और ये डेविड मैंने फॉन्ट किया, डेविड, तो डेविड फॉन्ट हमारा था। और यहाँ रिप्लेस ऑल कर दीजिए, ये ओके हो गया, कट कर दीजिए। इसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो फॉन्ट है वो डेविड हो चुका है इस फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। अब मैं इसे कंट्रोल जेड करता हूँ एक मिनट के लिए, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो मैं आपको वापस से समझा सकता हूँ किस तरीके से करना है आपको, ओनली फाइंड में जाना है। बेटर आपके लिए ये रहेगा आप डायरेक्ट कर लो, ठीक है। लेकिन कई बार डायरेक्ट नहीं हो पाता, दो तीन पैराग्राफ में भी रहता है ऐसा। भाई सपोज करो मैं आपको एक, एक बीच के अंदर क्वेश्चन है नहीं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ आपको बीच के अंदर आपको क्या है। जैसे इसके अंदर फॉन्ट दिया हुआ है, कौन सा आपका कैडबरी दिया है, देखो यहाँ पर ये कहीं एरियल है कहीं कैडबरी है ना, इसे हम एक फॉन्ट में कर देते हैं। पहले यहाँ पर आप गए फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और ये एरियल कर दिया मैंने, ओके। फर्स्ट पैराग्राफ हमारा फॉन्ट कौन सा है, एरियल है। अब इसे किसे बदलना है, कैडबरी में बदलना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फाइंड में गया, अब कहीं बच्चों का क्वेश्चन क्या होगा कि सर हम यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्ट करके यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन जब ये फर्स्ट में भी है, थोड़ा सा थर्ड में भी है ऐसा फॉन्ट, थोड़ा सा फोर्थ में भी है, तो आप कैसे करोगे। तब आपको क्या करना है, सीधा यहाँ जाना है, फाइंड में जाना है और रिप्लेस वाले पे क्लिक करना है। यहाँ एरियल लिखा हुआ है ही और यहाँ जो फॉन्ट है ना इसे चेंज कर देना है। कैसे चेंज करोगे, फॉर्मेट में गए, फॉन्ट पे गए और उसके बाद यहाँ से जैसे आर को फॉन्ट कर दिया मैंने, ओके किया, पहले फाइंड नेक्स्ट करो। देखो इतना टाइम, इतना जो फॉन्ट है वो किसमें है, एरियल में है, ठीक है। इसे आप यहाँ से जाकर के रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। और ये भी फॉन्ट एरियल में है, इसे भी आप रिप्लेस कर दोगे, ये ओके कर दोगे। अब ये दो बार क्यों हुआ, इसका कारण क्या था, मेरा कर्सर यहाँ पर था इसलिए पहले कर्सर के नीचे का हुआ फिर ऊपर का हुआ। अगर आपका कर्सर टॉप में होगा तो एक साथ में भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट फॉन्ट चेंज कर सकते हैं यहाँ से। अब मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, वापस से आगे चलते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन हो गया, अब हमारा छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या है, द्वितीय पैराग्राफ में प्रत्येक शब्द को अंडरलाइन करो, ठीक है, जिसमें स्पेस आपका अंडरलाइन नहीं होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है, अंडरलाइन ऑल वर्ड ऑफ सेकेंड पैराग्राफ बट स्पेस विल नॉट अंडरलाइन इन ऑल पैराग्राफ। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन को लिखा है, आप जिस लैंग्वेज में चाहते हैं वहां पर देख सकते हैं, ठीक है। ये पीडीएफ जिन्होंने हमारी बुक ली है उनको इस क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है, ईमेल के थ्रू। और जिन्होंने नहीं लिए वो ले ले ताकि उनको इनकी पीडीएफ मिलती रहे बार बार, ठीक है। तो द्वितीय पैराग्राफ ये है हमारा, इसके अंदर सभी शब्दों को अंडरलाइन करना, तो इसे आप सिलेक्ट करेंगे सभी को, ठीक है। ये सेकंड पैराग्राफ हमारा यहाँ तक सिलेक्ट हो गया, इसके बाद इसमें हर एक वर्ड को आपको अंडरलाइन करना है। तो यहाँ फॉन्ट के अंदर जाइए, यहाँ अंडरलाइन पे जाइए, वर्ड ओनली पे क्लिक कीजिए, ओके कर दीजिए। अब देखो हर एक वर्ड अंडरलाइन हो गया, स्पेस जहां पर भी अंडरलाइन नहीं हुई है, ठीक है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा क्वेश्चन नंबर 7। प्रथम पैराग्राफ में मैंने शब्द को डबल वेव अंडरलाइन कीजिए, क्या करना है, डबल वेव अंडरलाइन। इंग्लिश में क्या लिखा है, मेक डबल वेव अंडरलाइन टू मेनी वर्ड्स इन द फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। यहाँ मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, डबल लिखा ओनली, इसे वेव कर देता हूँ, ठीक है, डबल वेव अंडरलाइन, ओके। जहां जहां मेनी वर्ड आया उसे डबल वेव अंडरलाइन करना है, कहां पर, फर्स्ट पैराग्राफ में। वापस फाइंड में जाओ, लिखो क्या, मैनी, एम ए एन वाई, मैनी लिखा, ठीक है, फॉर्मेटिंग वगैरह हटा दो। उसके बाद फाइंड करो इसे, ये यहाँ पर है, इसे क्या करना, डबल वेव अंडरलाइन करना है ना, तो यहाँ जाओ वापस और यहाँ से ये डबल वेव अंडरलाइन कहाँ मिलेगी आपको, यहाँ नीचे जाओगे ना, ये डबल वेव अंडरलाइन। आप पूछोगे इसका नाम,
तो नाम वेव अंडरलाइन आपने वहां पे पढ़ रखा है, थोड़ा ये डबल वेव है, ठीक है, और इसे ओके कर दो। इसके बाद इसे कैंसिल कर दो, ये लो मैंने जो वर्ड था उसे डबल वेव अंडरलाइन में आ गया, ठीक है। अगर किसी भी तरह का आपको डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर हमारे दिए हैं, वहां पर आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप सभी के लिए अलाउ है, जो भी चाहे जिसने बुक ली है नहीं ली है सब हमें व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। बुक लेने का फायदा ये है कि आपको इसका जो प्रश्न पत्र है उसका जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा, और ये एमएस वर्ड की फाइल आपको काम करने के लिए मिल जाएगी वहां पर, ठीक है, ईमेल के थ्रू। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, सेवन नंबर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं एट नंबर की। एट नंबर क्वेश्चन है वो ये, प्रथम पैराग्राफ में पॉलिटिक्स को डबल स्ट्राइक थ्रू करें। तो प्रथम पैराग्राफ यही है हमारा ऊपर वाला, ये रहा, यहाँ पर पॉलिटिक्स का डबल स्ट्राइक थ्रू करना है। वापस वही फाइंड में जाओ या तो और डबल स्ट्राइक थ्रू अप्लाई कर दो, और डायरेक्ट अगर आपको कहीं दिख रहा है पॉलिटिक्स तो यहाँ से डायरेक्ट कर लो, कहाँ लिखा है पॉलिटिक्स देखो, अगर दिखता है अगर आपको सीधे से कहाँ है ये क्वेश्चन, ये रहा प्रथम पैराग्राफ में पॉलिटिक्स को करना है। तो प्रथम पैराग्राफ के अंदर पॉलिटिक्स जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है ओनली, तो यहाँ पर इसे सिलेक्ट किया मैंने, और इसके बाद इसे डबल स्ट्राइक थ्रू करना है। तो वापस फॉन्ट के अंदर जाओगे आप और डबल स्ट्राइक थ्रू अप्लाई करोगे और ओके कर दोगे। अब आप देख रहे हो पॉलिटिक्स जो है डबल स्ट्राइक थ्रू हो चुका है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम पैराग्राफ के टेक्स्ट को हाईलाइट कलर हरा करें। प्रथम पैराग्राफ ये है, इसे सिलेक्ट किया, हाईलाइट कलर की बात आती है, हाईलाइट कलर ये है हमारा, इसे हरा करना दिया, हरा कर दिया, बस हो गया। इसके बाद में प्रथम पैराग्राफ के टेक्स्ट को रंग लाल करें। प्रथम पैराग्राफ के टेक्स्ट का रंग लाल करें, तो लाल करने के लिए आप इसे सिलेक्ट करें और यहां पर आपका मिलेगा फॉन्ट कलर, और यहां पर जाकर के आप रेड पर क्लिक कर दें, ओके, ये रेड आपका कलर हो गया। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है नौ नंबर क्वेश्चन। प्रथम पैराग्राफ के टेक्स्ट को हाईलाइट कलर हरा करें, ये हो गया। दसवां क्वेश्चन जो रेड कलर करना था, इंग्लिश में क्या लिखा आएगा आपके लिए, मैक रेड कलर इन, मैक टेक्स्ट कलर इन रेड ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। अगला हम चलते हैं इलेवंथ क्वेश्चन, तीसरे पैराग्राफ पर दी गई सेटिंग को अप्लाई करें, दी गई फॉर्मेटिंग को अप्लाई करें। अब क्या फॉर्मेटिंग दी गई है, यहाँ पर देखो FS28, ठीक है, FF Cambria, FC Blue, FS Bold Italic, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना जरूरी है कि इसका मतलब क्या है। हम पहले तीसरे पैराग्राफ पे चलते हैं, ये हमारा तीसरा पैराग्राफ आ गया। अब यहाँ पर स्टाइल अप्लाई करनी है, क्या स्टाइल है, देखो FF का मतलब फॉन्ट फेस हो गया, ये कैम्ब्रिया करना है। तो यहाँ पर जाइए आप कैम्ब्रिया सर्च कर दीजिए, CAM, ये कैम्ब्रिया आ गया, यहाँ एंटर कर दिए, ये फॉन्ट फेस चेंज हो गया। उसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग, FF हो गया, उसके बाद FS28, मतलब फॉन्ट साइज को अटाइज करना है, यहाँ से अटाइज कर दो, ऑप्शन है तो यहाँ से ऑप्शन से कर दो। आगे क्या है, आगे है FS के बाद में क्या आएगा, FC ब्लू करना है, FC मतलब फॉन्ट कलर को ब्लू करना है, तो ये ब्लू कर दिया मैंने इसको, ठीक है। उसके बाद में क्या है, FS फॉन्ट स्टाइल बोल्ड इटैलिक करना है, तो यहाँ फॉन्ट के अंदर डायलॉग बॉक्स में जाओगे आप, ये फॉन्ट स्टाइल है, ये बोल्ड इटैलिक कर दिया और ये कर दिया, ये लो ये क्वेश्चन हो गया, ओके। तो ये पूरा तीसरा पैराग्राफ पर ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन करते हैं बारहवां क्वेश्चन क्या है, लिए गए पैराग्राफ मतलब तीसरे पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को दूसरे व चौथे पैराग्राफ पर कॉपी करके लगाएं। अब आप क्या होता है कि एक जैसे ये पैराग्राफ है तीसरा, इसकी फॉर्मेटिंग को हमें दूसरे और चौथे पर लगानी है, तो आप क्या करोगे कि एक पर तो आप कॉपी करके यहाँ फॉर्मेट प्रिंटर से लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इसकी कॉपी करी, ये मैंने कॉपी करी, फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक किया, अब ये दूसरे पर तो लग जाएगी आसानी से, दूसरे पर तो आप झट से लगा लोगे, ये लो साहब दूसरे को सिलेक्ट कर दिया, तो ये पूरी फॉर्मेटिंग दूसरे के ऊपर लग जाएगी, यहां तक लग गई। लेकिन अब तीसरे पर लगाने फिर उससे वापस कॉपी करना पड़ेगा, नहीं, अगर ऐसा करोगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको डबल फॉर्मेटिंग एक साथ करने के लिए बोला गया ना, तो आपको डबल को एक साथ ही करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तीसरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, अब हम यहाँ पर फॉर्मेट प्रिंटर पर एक बार क्लिक करते थे, इस बार डबल करेंगे, कितना करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक किया, उसके बाद में जाऊंगा यहाँ पर सेकेंड पैराग्राफ पर जहां पर मुझे अप्लाई करना है, यहाँ गया और मैंने इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया, ओके, ये हमारा सेकंड पैराग्राफ यहाँ पर सिलेक्ट हो गया, ये इस पे अप्लाई हो गया। अब भी देखो मेरा माउस का कर्सर वैसा का वैसा ही है फॉर्मेटिंग वाला। अब मैं जाऊंगा
और कौन से पे, चौथे पर। चौथा कौन सा पैराग्राफ है, ये वा, ये हमारा तीसरा पैराग्राफ हो गया, ये चौथा हो गया। चौथे पर करना, चौथे को भी सिलेक्ट कर दो, ये लो, इसकी भी फॉर्मेटिंग ऐसी हो गई। ठीक है, तो डबल क्लिक करने से अब मेरे को पांचवे पर करना, तो भी मैं पांचवे को सिलेक्ट कर दूंगा, पांचवे को सिलेक्ट करते हैं एंड टू एंड, वो भी ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये मोर देन वन अगर आपको फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है मोर देन वन पैराग्राफ पर, तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे फॉर्मेट मेंटर पे। ठीक है, और अगर सिंगल पे अप्लाई करनी है तो आप यहां से एक बार क्लिक करेंगे। ओके, ये हो गया, आगे हम चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्या है, तीसरे जो हमारा क्वेश्चन है बारह तीस, ये क्वेश्चन हो चुका तीसरे की, दूसरे और चौथे पर हमने अप्लाई कर दिए। क्वेश्चन इंग्लिश में है, कॉपी थर्ड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग एंड अप्लाई ऑन सेकेंड और फोर्थ पैराग्राफ, ये हमने कर दिया। अगला हमारा तेरह नंबर क्वेश्चन, ये है तीसरे पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को हटानी है। तीसरा पैराग्राफ कौन सा हमारा, ये हमारा तीसरा पैराग्राफ है। ठीक है, इसकी फॉर्मेटिंग को हटानी है, तो यहाँ जाइए सिलेक्ट कीजिए तीसरे पैराग्राफ को, और उसके बाद में यहाँ क्लियर फॉर्मेटिंग पर आप क्लिक कर दीजिए, ये लो, ये इसकी फॉर्मेटिंग हट गई है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चौदह है, दूसरे पैराग्राफ के अंत में दिए गए डाटा को सही कीजिए। दूसरा पैराग्राफ कौन सा हमारा, ये, और यहाँ इसके अंत में दिया गया डाटा कौन सा है, ये वाला। इसे सही करने का मेरा उद्देश्य क्या सिखाना है आपसे, आपको सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट सिखाना है। जैसे सीओ सीओ सीए सीओ थ्री, ये थ्री का आता है थोड़ा सा नीचे आता है, तो इसे नीचे लाने के लिए, इसको नीचे लाने के लिए हम क्या करेंगे, सब स्क्रिप्ट करेंगे। ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट करेंगे जब हमें ऊपर ले जाना, तो सुपर स्क्रिप्ट, जैसे 25 की द पावर ऑफ 25 इज 6, मतलब 25 की पावर हमें 6 लिखनी है, तो ये 25 लिखा है और आगे 6 लिखा, तो इसे 6 को सिलेक्ट करेंगे और ऊपर ले जाना, तो क्या करेंगे, सुपर कर देंगे इसे, तो इसे ऊपर स्क्रिप्ट कर दिया, तो ये 25 की पावर 6 आ गई। उसके बाद क्लास एड थे, एड के अंदर टीएच को ऊपर लेके जाना है, तो यहाँ पर इसे भी सुपर कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा डाटा सेट। ओके, आगे हम बात करते हैं चतुर्थ पैराग्राफ को कैपिटल ईच वर्ड में सेट करें, मतलब अप्लाई कैपिटल ईच वर्ड केस ऑन फोर्थ पैराग्राफ। फोर्थ पैराग्राफ कौन सा है, ये हमारा थर्ड है, ये फोर्थ पैराग्राफ है। इस फोर्थ पैराग्राफ पर यहाँ पर सिलेक्ट किया मैंने, और कैपिटल ईच वर्ड कहाँ मिलेगा, ये केस के अंदर, सेंटेंस लोअर केस अपर केस सब यहाँ मिलेगा, तो कैपिटल ईच वर्ड पे क्लिक कर दिया, ये हो गया कैपिटल ईच वर्ड। देखो हर शब्द का पहला अक्षर कैपिटल हो चुका है। ओके दोस्तों, ये हमारे 15 क्वेश्चन थे जो आज फॉन्ट से मैंने लिए थे। उसके बाद हम कल बात करेंगे, कल हम फिर से एक बार फॉन्ट की क्लास, एक और क्लास होगी कल फॉन्ट की, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पैराग्राफ की टेस्ट जाएगी। तो दोस्तों अलग अलग सेक्शन वाइज मैंने इसलिए किया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और इसके बाद ये जब एंड हो जाएगी तो हम चार या पांच टेस्ट सीरीज टॉप लेवल की और मिक्सअप क्वेश्चन के साथ में करेंगे। इसके बाद मैं आपको एक बात इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि जिन्होंने हमारी बुक ले ली है उनको दोस्तों इस टेस्ट की जो एमएस वर्ड की फाइल, ये जो जिसे मैं काम कर रहा हूँ वो, और पीडीएफ फाइल उनको इस ईमेल आईडी के द्वारा हम दे देंगे। किनको देंगे, जिन्होंने हमारी बुक को खरीद लिया उनकी ईमेल आईडी हमारे पास में जमा है, और उनकी ईमेल आईडी पर हम ये भेज देंगे। और अगर आपने नहीं खरीदी किताब को खरीदना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे मैं उस किताब के वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, वहां पर आप ये जान सकते हैं कि इस किताब के अंदर क्या है और क्यों खरीदना चाहिए हमें। ठीक है, और अगर आपको खरीदना है तो हमारे जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं उन पर आप मैसेज भेज दें, आपको सारी जानकारी वहां से मिल जाएगी खरीदने की। और किसी भी व्यक्ति के आप बहकावे में नहीं आए, कोई भी आपको एग्जाम टास्क के नाम पर फ्रॉड कर सकता है आपके साथ में, इसलिए जो भी आपको कोई भी हो सेंड करता है किसी भी तरह का डाटा एग्जाम टास्क के नाम से, आप उसे एक्सेप्ट नहीं करें। एग्जाम टास्क अपने ईमेल आईडी examtask@gmail.com से ही भेजता है, इसके अलावा एग्जाम टास्क किसी से अपना डाटा आपको नहीं भेजेगा। अगर आपको examtask@gmail.com या इस व्हाट्सएप नंबर से कोई मैसेज आता है तो ही आप ये माने कि एग्जाम टास्क ने सेंड किया है, अदरवाइज प्लीज डोंट बिलीव ऑन एनीवन। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं या नीचे दिए गए किसी भी माध्यम से आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर आप ध्यान रखें, क्योंकि एग्जाम टास्क के नाम से बहुत सारा फ्रॉड मार्केट के अंदर चल रहा है, जिसे आप नेग्लेक्ट करें और उस पर ध्यान नहीं दें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, फिर मिलेंगे अगली टेस्ट सीरीज में। फॉन्ट ग्रुप के कुछ और क्वेश्चन में आपके लिए इंपॉर्टेंट लेकर आऊंगा, जैसे कुछ इम्बोस इफेक्ट, एंग्रे इफेक्ट, आउटलाइन इफेक्ट कुछ छूट गए हैं मेरे से, उनका हम
अगले टेस्ट सीरीज के अंदर जो कल आएगी उसके अंदर हम लेकर आएंगे डेली 5 बजे एग्जाम टास्क पे। हमेशा इसी तरीके से टेस्ट सीरीज चलती रहेगी। आपके लिए जितना कुछ कर रहा हूँ वो सब कुछ दोस्तों मैं अपने मन से और पूरे ध्यान से मतलब इस सब कुछ कर रहा हूँ। मैं जो आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ उनसे बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपको जिम्मेदारी ले रहा हूँ। और जो बुक के अंदर जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हें अच्छे से सोल्व कर लेंगे। जिन्होंने बुक खरीद ली है बहुत अच्छी बात है। बुक आपको कैसी लगी वीडियो के अंदर आकर के कमेंट जरूर कर देना। जो बुक का वीडियो है वहां पर आप कमेंट जरूर कर देना। और खरीदना है अब जिसको वो मैं इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना या फिर नीचे वीडियो का लिंक दिया गया वहां वीडियो पर जाकर के आप देख लेना कि आपको बुक के अंदर क्या कुछ मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है वो सारा कुछ जानकारी। और जिन्होंने खरीदी है उनसे आप पूछ सकते हैं बुक कैसी है, बुक के अंदर जो क्वेश्चन दिए गए हैं 100 क्वेश्चन वो किस लेवल के हैं किस तरीके के हैं, ठीक है। और बुक के क्वेश्चनों का भी धीरे धीरे इसके अंदर चलता रहेगा, आते रहेंगे बीच बीच में तो वो भी आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। दोस्तों फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।